हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं विच गया किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स, होममेड क्रिस्पी चिकन नगेट्स हम बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है बिना स्किप के। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इन चिकन नगेट्स की खास बात यह है कि इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगती और समय भी नहीं लगता है। कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये चिकन नगेट्स बनाया जाता है। तो देखिए, बिल्कुल भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पर आप आराम से बना सकते हैं। स्पेशली बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट डिश है। और अगर रमज़ान में आप बना रहे हो तो अफ्तार के लिए भी परफेक्ट है। आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया 1 मंथ के लिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है ब्रेड स्लाइसेस। ये घर में जो बचे हुए ब्रेड होते हैं ना, तो ये मोटी वाली ब्रेड मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कोई नहीं खाता है हमारे घर में, ये बच ही जाते हैं। तो देखिए, 2 ब्रेड स्लाइसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं और 1 कप यहाँ पे चिकन यूज़ होगा ना, वो हिसाब से यहाँ पे 2 मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे, बारीक बारीक कट करना है क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। इसके लिए बारीक कट कर लेंगे सबसे पहले हम। तो इस तरीके से मैंने इसे बारीक कट कर लिया है पीसेस में। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 मिक्सी का जार, इसमें हम ये ब्रेड स्लाइसेस को ऐड कर देंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है चिकन, तो ब्रेस्ट चिकन जो होता है ना, ब्रेस्ट का पीस जो होता है, वो यहाँ पे मैंने लिया है 1, और इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश करना है सबसे पहले, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करना है, पानी बिल्कुल भी इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको क्लीन करेंगे, पानी ड्रेन करेंगे और मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें कि नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, उसी के साथ यहाँ पर काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भर के जाएगा। और यहाँ पर ज़्यादा मसाले तो नहीं पड़ते हैं, चिली फ्लेक्स जाएगा 1 टीस्पून के करीब, और यहाँ पर जो पेपरिका पाउडर होता है वो 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे। और उसी के साथ मैंने लिया है डार्क सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर के लिया है, वो इसमें जाएगा। सब चीज़ों को हम अब ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पीसना है इसे। तो देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है बहुत ही अच्छे से, ये बारीक पीस लिया है मैंने। और एक चीज़ डालना, सॉरी भूल गई थी मैं, जो कि मेन है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के डाला है, फिर से मैं इसे पीस लूँगी। अब यहाँ पर देखिए, जो बचे हुए ब्रेड स्लाइसेस होते हैं ना, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बनाया था सैंडविच और इसके किनारे मैंने कट कर लिए थे, तो वो सैंडविच को मैं पीस लूँगी। और ये बन गया है हमारा ब्रेड क्रम्स, जो कि यूज़ होगा कोटिंग के लिए, जो नगेट्स की कोटिंग करेंगे तो इसी में करेंगे हम। तो ब्रेड क्रम्स भी हमारा रेडी है, बहुत ही ईजी है देखिए बनाना। अब यहाँ पर जो चिकन हमने पीस लिया है ना, उसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इसे एक बार हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, और ताकि सब मसाले अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर हाथों को हम कर लेंगे ऑयल से अच्छे से ग्रीस, ताकि ये चिपके ना हाथों को, ये जो बैटर है। छोटे छोटे बॉल हम इस तरीके से बना लेंगे, देखिए जितने साइज़ के आपको नगेट्स बनाने हैं उसी साइज़ के हम बॉल बना लेंगे सबसे पहले, और नगेट्स का शेप देंगे। तो देखिए, इस साइज़ के मैं बना रही हूँ, आप कोई भी शेप के यहाँ पर बना सकते हैं नगेट्स। तो इस तरीके से मैंने बनाया है, देखिए परफेक्ट है ये। तो इसी तरीके से बनाना है, ज़्यादा भी मोटे नहीं रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसी साइज़ के हम बनाएंगे जितने भी नगेट्स हैं, सब फटाफट से बन भी जाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना इस रमज़ान, तो अफ्तार के लिए ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईजी है, फटाफट से बन भी जाती है। क्योंकि रमज़ान में ना टाइम नहीं होता है ना, इबादत करने में ही टाइम हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर कम समय में कम इंग्रीडियंट्स के साथ बिल्कुल आसान तरीके से किस तरीके से रेसिपीज़ बनाएंगे अफ्तार के लिए, वो शेयर कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो ज़रूर वॉच करना। इसके लिए मैंने बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी नगेट्स हैं ना, सब इसी तरीके से मैंने बना लिए हैं फटाफट से। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 अंडा, एक बाउल में हम डाल देंगे और इसे हमें करना है बीट। तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे 1 चुटकी, और अच्छे से नमक को भी हम अंडे के साथ बीट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, जिससे कि जो ये अंडा है ना, सॉफ्ट बनता है। तो 2 टीस्पून भर के यहाँ पे मैंने लिया है दूध, वो इसमें जाएगा। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए मिक्स ही कर लेंगे, अच्छे से बीट करना है। तो इसे हम साइड में कर देंगे, ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है कोटिंग करने की ब्रेड क्रम्स में। तो सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे हम, 1-1 नगेट्स को अच्छे से डिप करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर डिप करना होता है, ताकि ये जो
हमने नगेट्स बनाए हैं उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए, इसके लिए यहाँ पे अंडा इस्तेमाल किया जाता है। अगर अंडा नहीं यूज़ करना है आपको तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेना है 1 से 2 टेबलस्पून के करीब, उसमें पानी थोड़ा सा डालना है, उसका घोल बनाना है, स्लरी बनानी है अच्छे से, और वही जो अंडा हम ऐसा इस्तेमाल करें ना तो आप वो स्लरी यूज़ करना है। सबसे पहले कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से कोटिंग करेंगे, और यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है हमारा चिकन नगेट्स। कॉर्नफ्लावर की स्लरी से भी ना बहुत ही क्रिस्पी यहाँ पे नगेट्स बन के रेडी हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जितने भी नगेट्स हैं सब इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। सबसे पहले अंडे में डिप करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाया है होममेड तो उसमें कोटिंग करूँगी, और यहाँ पे देखिए रेडी हो चुका है ना। तो इस स्टेज पर आने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, अगर आप अफ्तार में बनाना चाहते हो रमज़ान में तो 1 मंथ के लिए आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। कोई भी एयर टाइट कंटेनर डिब्बा लेना है, और ये याद रखना है कि एक के ऊपर एक इसे नहीं रखना है, बीच में कोई भी पॉलीथीन का पेपर रखना है, फिर उसके ऊपर रखना है ये नगेट्स को, तो ये एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं, ये याद रखना है। तो आप जब भी इसे फ्राई करना चाहते हो तो आधा घंटा पहले फ्रीजर से निकालना है, फ्रीजर में रखना है, ये याद रखना है, और फिर इसे फ्राई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, ऑयल जैसे गरम होता है तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और इस तरीके से हम नगेट्स को डाल देंगे। तो देखिए ज़्यादा ऑयल का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है डीप फ्राई, मतलब बहुत ज़्यादा भी ऑयल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, डीप फ्राई ही हमें इसे करना होता है, जब भी नगेट्स को फ्राई किया जाता है तो डीप फ्राई ही करना होता है, लेकिन ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। तो देखिए जितने भी नगेट्स हैं सबको मैंने स्पेस रखकर इसमें ऐड किया था कढ़ाई में, और एक साइड से जब हो जाएगा लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, तो क्योंकि हमारा जो चिकन है ना कच्चा है तो पेशेंस रख के हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से नगेट्स जल जाएंगे और अंदर कच्चे रहेंगे। इसके लिए लो फ्लेम पर हम इसे आराम से पेशेंस रख के फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। जैसे ही इसमें गोल्डन कलर आता है तो इसे हम पलट देंगे, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हमें फ्राई करना है, तो अंदर तक ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है, लो फ्लेम पर मैंने अच्छे से इसे एक साइड से होने दिया है, अब दूसरे साइड से भी हम इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, फटाफट से फ्राई भी हो जाते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये हो चुके हैं फ्राई दूसरे साइड से भी, और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी नगेट्स बनके रेडी हो गए हैं, चिकन नगेट्स जिसे हमने बनाया है घर पर, बिल्कुल भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आराम से आप अफ्तार में इसे बनाइए, स्टोर करके भी रख सकते हैं, ज़्यादा अगर बनाना हो तो ज़्यादा बनाइए, स्टोर करके रख दीजिएगा। जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं तो अपने हिसाब से चिकन की क्वांटिटी जितनी है वो हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर लीजिएगा और इसमें यूज़ कर सकते हो। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी है ना, दिख भी रहे कितने ज़्यादा क्रिस्पी, और है ही ये क्रिस्पी। एक मैं आप लोगों को देखो बताती हूँ तोड़कर, तो ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, यहाँ पे मज़ेदार से चिकन नगेट्स बन के रेडी हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करना, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान से रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।